नवदोरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन खाली पड़ा हुआ है, कुछ फल लेने का ट्रेन का आवाज दो, ट्रेन का आवाज दो, ट्रेन का आवाज दीजिए, ट्रेन का ऐला भैया यात्री के ध्यान दें। जिन यात्री को पटना से गुवाहाटी जाना हो वो टिकट ले लें, गाड़ी नंबर गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 रही है, और आप लोग टिकट लेकर के ही यात्रा करेंगे, नहीं तो पकड़े जाने पर आप कारावास का वो मुक्त होगी। पटना से गुवाहाटी तक जा रही थी वो पास कर गई, अब ट्रेन आने वाली है दिल्ली को सीधा, और वो गाड़ी आदेशानुसार वो 1 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। जिन यात्री को सीना में जाना हो, गुवाहाटी जाना हो और सिटी को ही जाना हो, टिकट ले लें और यात्रा करें। यह भारतीय रेल नवदोरिया जंक्शन रेलवे स्टेशन है। हमारे रामदास पासवान जी ने इनको बहुत दिन पहले स्थायी कर चुके थे, आज हम लोगों की सपना पूरी हुई। यह बंधेरा होते हुए और बात होते हुए और नवदोरिया जंक्शन पर जो है खड़ी होगी और यहाँ से घूमेगी और जिलों के लिए प्रशांत करेंगे। आइए सिंह पर ध्यान दें। शायद गाड़ी 2 लेट है बाबू जी। देखे बाहर में बहुत सावधानी से रहना, क्योंकि तुम देश का सिपाही बनने जा रहे हो, अपने पतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना, मगर झुकना नहीं। यही मेरी शुभकामनाएं है। देखो दीदी, यहाँ पुलिस की नौकरी है, कोई सिविल सर्विस नहीं। जिसे जब छुट्टी मिले जब चाहे तब नहीं मिल सकती है, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा। प्रयास नहीं जरूर आना, वादा करो बाबूजी। समझाइए ना दीदी को। राहुल ठीक कहता है बेटी, पुलिस वाले को अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं मिला करती है। हेलो, रेल में असुविधा करें, अभी सियालदह के लिए वंदे मातरम आ रही है। Thank you.
यहाँ रेलवे स्टेशन है, कोई टैक्सी स्टैंड नहीं, जाकर बाहर पता करो। तुम ऐसा क्यों बोलते हो बेटे? तुम्हें कहाँ जाना है बेटी? यह मेरा बेटा है, पुलिस की नौकरी करने के लिए शिलांग जा रहा है। बड़ा नच नच है। क्या करो, आदत से लचार हूं। क्यों दे दिए, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बताइए टैक्सी कहाँ मिलेगी? बाबूजी को गाली देता है। लड़की को छेड़ता है। अरे बताता हूँ तुझे, हेलो। अभी वंदे मातरम जो शिलांग जाएगी वह यात्री प्लेटफॉर्म तीन पार खड़े हो जाए। चलता हूँ दीदी, कभी फेर करना। अबे गाड़ी खुलने वाली है, बाय बाय।
चलो प्रियंका बेटी हम घर चलते हैं, तुम भी चलो बेटी रामगढ़ तक, हम लोग भी साथ चलेंगे। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? नैना। नैना, वाह बहुत सुंदर नाम है। राहुल को नाम लिया बहुत पसंद आएगा, है ना बाबू जी? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है बेटी? तो फिर रहती कहाँ हो बेटी? तुम्हारे मामा जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है उनका? रामगढ़ से 2 किलोमीटर दूर बसंतपुर एक गांव है, उस गांव के मोहन बाबू मेरे मामा जी हैं। अरे मोहन बाबू, अरे बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। बहुत अच्छे विचार के आदमी हैं मोहन बाबू, बहुत अच्छे। चलो बेटी नैना को भी अपने साथ लेके चलो।